धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। Krishna,
कृष्णा कृष्णा बुझे हर के नाम बुझे हर के नाम के नाम I
अपना नाम देह जप जीवा पूरन होए दास की काल
सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जपना सुख रस सद खुशियां कीर्तन जपना कृष्णा बुझे हर के नाम बुझे हर के संतोख होवे गुर बचनी महासंतोख होवे गुर बचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान कृष्णा कृष्णा बुझे हर के नाम बुझे हर के नाम
जिसके कारण लिखे आतुर करते नानक जन के पूरन का संतोष
बचने रब से लागे पूरन ध्यान रब से लागे पूरन ध्यान Krishna, Krishna, bujhe har ke naam, bujhe har ke naam. प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक इस संसार में जितने भी धार्मिक कार्य हैं किसी भी धर्म के हों उसे करने के पीछे कारण क्या है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये बड़ा जरूरी पॉइंट है इसे ध्यान से समझना होगा सबसे पहले तो हमें कुछ भी करने से पहले ये समझना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि कारण सही हो तो हर काम सही है श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कारण सही हो तो किसी का कत्ल भी सही है अगर कारण सही नहीं तो किसी की जान बचाना भी पाप है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक बड़े ध्यान से बात को समझना कारण सही है तो चाकू मारकर काटना वो भी पुण्य है डॉक्टर शरीर को चीर देता है चाकू से हम पैसे भी देते हैं थैंक यू भी कहते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक क्योंकि कारण सही है वो जान बचाना चाहता है कोई गोली चलाकर किसी को मारने की कोशिश करता है पर वो बच जाता है जज फिर भी सजा देता है क्योंकि मारने की तो कोशिश की ना चाहे वो बच गया कारण सही नहीं था तो सजा है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक इस सृष्टि में जितने भी धार्मिक कार्य हैं चाहे किसी भी धर्म के हो मुसलमान के सिख के ईसाई के हिंदू के पीछे कारण क्या है क्यों करते हैं हम ये सब क्यों अमृत वाले उठते हैं क्यों नाम जपते हैं क्यों तस्बीह फेरते हैं क्यों कलमा पढ़ते हैं क्यों तीर्थों के स्नान की बात है क्यों व्रत रखते हैं क्यों मौन धारण करते हैं कारण क्या है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक
कोई विरला होता है जिसका कारण प्रभु को पाना होता है। ज्यादातर सबकी एक ही डिमांड है, सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन बस में आ जाए, मन को शांति मिल जाए, मन सुखी हो जाए, यही डिमांड है हर एक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी विचार किया है क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशा सुमेर पर्वत पर सिद्धों से विचार कर रहे हैं कि घर बार छोड़कर पहाड़ों पर क्यों बैठे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन त्यागा, कपड़े त्यागे, स्त्री त्यागी, परिवार त्यागा, क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर चर्चा हो रही है और गुरु नानक पाशा यहाँ पर सिद्धों को समझाने के लिए, सारी दुनिया को ज्ञान देने के लिए श्री जपजी साहब जी की वाणी का उच्चारण कर रहे हैं सुमेर पर्वत पर पहली बार, और एक एक पंक्ति को समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही कारण होता है, मन बस में आ जाए। सारा खेल ही मन का है, असल में सारा पुआड़ा ही मन का है, सारा झंझट सारी प्रॉब्लम्स मन की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाहरी जितने भी कर्म कांड हैं, चाहे तीर्थ का स्नान हो, चाहे मौन रखना हो, जबान को चुप कराना हो, ये बाहरी कर्म हो गया। चाहे कोई व्रत रखे, भूखा रहे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये भी बाहरी कर्म है। 99% लोग जो व्रत रखते हैं उन्हें तो पता ही नहीं व्रत का कारण क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूखे रहना, कम खाना बहुत अच्छी बात है सेहत के लिए। कम खाने को वाणी में बार बार कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कम खाने की प्रेरणा दी गई है, कम खाने वाले को सलाह गया है, पर भूखे रहने वाले को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच क्या है पीछे, वो जरूरी है। गुरु नानक पाशा कहते हैं कि व्रत रख के बैठे हो, पहली पंक्तियाँ क्या हो गई? सोचा सोचे ना हो गई, जे सोचे लखवा, चुप है चुप ना हो गई, जे लाए रहा लितार, अब भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया पहाड़, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया पहाड़। इन पंक्तियों के दो गहरे अर्थ निकलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भुखिया भुख ना उतरी, अगर तू भूखा अपने आप को रखता है ये सोच करके तेरा मन बस में आ जाएगा, तेरा मन पदार्थों से ऊपर उठ जाएगा। गुरु नानक पाशा कहते हैं नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता उल्टा है, जब कोई भूखा रहता है, व्रत रखता है, तो सारा दिन ये सोचता है जैसे ही व्रत टूटेगा मैं क्या क्या खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान तो उल्टा खाने में चला गया, भोजन में चला गया, जिस भोजन को छोड़कर बैठा है मन को बस करने के लिए, मन की शांति के लिए, मन के सुखी होने के लिए। पाशा कहते हैं नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पहलू ये है व्रत, क्योंकि वाणी में व्रत का भी खंडन किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे लोग व्रत रखते हैं भगवान को खुश करने के लिए। हम भगवान को अपने माता पिता कहते हैं, हम उनके बालक। कौन सी माता खुश होती है बच्चे को भूखा देखकर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन से पिता को सुख मिलेगा अपने बच्चे को भूखा देखकर? नहीं। विचार करके देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूखिया भूख ना उतरी, भूखे रहकर तेरे मन की भूख नहीं उतरेगी। और दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो गहरा अर्थ है इस पंक्ति का, भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। अगर दास पहले पॉइंट को लेकर बैठ जाए ना, कई दिन बीत जाएंगे। व्रत के ऊपर इतने प्रमाण है वाणी में, अन्न छोड़ करे पखंड। अगर कोई अन्न छोड़ता है पखंड के लिए, देखना, एक होता है अपने शरीर के लिए वो अलग बात है, एक होता है भावना है अलग बात है।
कोई पखंड करता है, दिखावा करता है अन्न छोड़ने का कि मैं नहीं खाता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं यहाँ पर यह बात कहनी चाहिए कि नहीं, पर मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी रहा हूँ। देखिए जब पूर्ण महापुरुषों की संगत हुई है ना, तो पखंडियों की संगत भी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो क्या करते हैं, संगत के सामने एक रोटी खानी है, भाई हम इतना ही खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में हूँ मैं संगत के सामने, जिसके घर में खाना है वहाँ पर एक ही रोटी या आधी रोटी खा रहे हैं कि मैं, हम इतना ही खाते हैं भाई। और जैसे ही घर से निकलते फटाफट भागते किसी ढाबे पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि लाओ जो है। क्यों वहाँ नहीं खाया, प्रभाव डालना है कि हम कम खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पाखंड है, जितनी भूख है उतना खाओ। बाणी कहती है भूख है उससे कम खाओ ताकि चुस्ती रहे। और इतना कम खा के ये शो करना कि हम कम खाते हैं भाई या हम नहीं खाते हैं, ये पाखंड है। वाणी में इसका खंडन किया है। अन्न छोड़ करे पाखंड, ना वो सुहागन ना वो रंड, यहाँ तक कहा है। ना वो सुहागन की गिनती में है, ना वेशवा की गिनती में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अन्न छोड़ने का पाखंड करते हैं, दिखावा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह जो मेन पॉइंट इस पंक्ति में समझाना चाहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत छोटा सा पहले जो दास ने लिया, पुखिया पुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार। जो सेकंड ऑप्शन लोग अपनाते हैं वो ये है, मन में ये ठान के रखा है अगर मैं दुनिया के सारे पदार्थ अपने बस में कर लूं, हो सकता है मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, अगर मेरे पास हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहां पर जो भूख की बात की गई है, एक भूख की बात नहीं की गई है, केवल धन की, पदार्थों की नहीं, नाम की भूख भी है। प्रभु का नाम नहीं, अपना नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन छोड़ देना एक अवस्था है, धन का त्याग कर दिया, पर प्रभुता का त्याग होना लगभग नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पूर्ण महापुरुषों का सर पे हाथ हो हर पल, तो इंसान इससे बच सकता है। भाव सब कुछ छोड़कर इंसान जब शक्तियां प्राप्त कर लेता है, फिर उसे होता है कि लोग मुझे पूजें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा ही मेरा नाम हो चारों तरफ, ये मन में भावना होती है। पाछा इस प्रकरण को बहुत डिटेल में समझा रहे हैं सात संगत जी, इसके कई पहलू हैं। पुखिया पुखना उतरे, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े ऋषि मुनि इस चक्कर में भी फंस गए कि हमारे पास सब कुछ आ जाए। जो राज छोड़ के गए वो प्रभुता नहीं छोड़ पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुखिया पुखना उतरी जे बन्ना पुरिया पार, चाहे कोई इस सृष्टि की नहीं, ध्यान देना सात संगत जी, गुरु नानक पाशा क्या कह रहे हैं। कोई यह सोचे मेरे पास 10 बंगले हो जाएंगे, 10 गाड़ियां हो जाएंगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, 10 फैक्ट्रियां हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। पाशा कहते हैं नहीं हो सकता। गरीब यही सोचता है ना कि अमीर होकर सुखी हो जाऊंगा, अमीर से पूछ कर देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास जितने अमीर रोते हुए आते हैं, गरीब नहीं आते। गरीब को कभी डिप्रेशन में देखा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिप्रेशन में केवल अमीर होते हैं। क्यों? सब कुछ पाने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, अब क्या करूं जिससे सुखी हो जाऊंगा, अब जब कोई चारा नहीं दिखाई देता, तब डिप्रेशन में चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं, तू कह रहे हैं कि 10 फैक्ट्रियां हो जाए, 100 हो जाए। गुरु नानक पाशा कहते हैं इस धरती के ही नहीं, पदार्थ सारे, सारा धन सारे पदार्थ इस धरती के नहीं, सारी पुरियों के, जितनी सृष्टि है उनके भी सारा धन इकट्ठा करके अपने आगे रख ले, पर तेरे मन की भूख फिर भी नहीं मिटेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे जो भूखा हो उसका पेट भरा जा सकता है, जिसे तृष्णा की भूख लग जाए और तृष्णा की आग ऐसी है जितनी मर्जी लकड़ियां डालते जाओ आग बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने बड़ी डिटेल में समझाया है। पहले समझाया सोचे सोचे न हो गए, तीर्थों पे स्नान करने से मन का स्नान नहीं होगा,
जे सोची लख बार चाहे लाख बार स्नान कर ले। चुप है चुप न होवे जला रहे तार, जबान को बंद करके बैठ जा मौन धारण करके, तेरा मन चुप नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सारी सृष्टि के नहीं, सारी पुरियों के, सारे ब्रह्मांड का खजाना इकट्ठा कर लिया अपने पास, पर तेरा मन तृप्त नहीं होगा, मन की तृष्णा शांत नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई दास सच कहता है, अगर कोई इस वाणी को थोड़ा सा भी विचार लेना, वाणी की ताकत इतनी ज्यादा है सत्संगत के मन और की भूख को त्याग देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इस पॉइंट को कोई समझ गया ना, सुखी हो जाएगा जीवन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इस प्रकरण में इतने सारे पॉइंट्स हैं और इतनी सारा ज्ञान है, अगर उसका 10% भी हमारे दिमाग में चला गया, मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सारी दौड़ तो मन की शांति के लिए है ना, मन के सुखी होने के लिए है। और अगर मन शांत हो जाए, बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात चल रही है तृष्णा की। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं, सारी पुरियों के धन, सारी पुरियों का सामान इकट्ठा कर ले, तेरा मन की तृष्णा नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। वो कैसे बुझेगी, हम पढ़ रहे हैं। तृष्णा तृष्णा बुझे हर के नाम, बुझे हर के नाम। कृष्णा कृष्णा बुझे हर के नाम, बुझे हर के नाम। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिंपल पंक्तियां हैं। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, तृष्णा बुझे हर के नाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस तृष्णा को, अग्नि को बजाना है, इस तृष्णा की अग्नि को अगर बुझाना है, ठंडा करना है, तो इसके लिए केवल एक ही साधन है, नाम, प्रभु का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महा संतोख होवे गुरु बचनी, प्रभु से लागे पूर्ण ध्यान। जो गुरु की वाणी का आसरा लेता है, गुरु की वाणी का आसरा, गुरु के वचनों पर चलता है, महा संतोख होवे गुरु बचनी। महा संतोख, हमें तो संतोख भी नहीं है, अगर वाणी का आसरा लिया, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले। रास्ता क्या है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि जल्दी कृपा हो जाए, जल्दी कृपा हो जाए, उसके कई रास्ते अपनाओ तो सही। सारी दुनिया कहती है जल्दी कृपा हो जाए, 2:15 बजे जो पाठ शुरू होते हैं, कितने लोग बैठते हैं उसमें। गुरु नानक पाशा के वचन दें, जो 2:15 बजे श्री जपजी साहब जी के पाठ करते हैं, ये ब्रह्म टाइम है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवस्था ऊंची की बातें तो हम करते हैं, उस पर चलते कहाँ हैं।
ढाई बजे श्री सुखमणि साहब जी के पाठ होते हैं। अमृत वेला संभालो और जितनी ज़्यादा कृपा जितनी जल्दी चाहिए उतना जल्दी संभालो। 3 से 6 का टाइम हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए है। अगर ज़्यादा कृपा चाहिए और जल्दी उठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 से 6 जो संभाल रहे हैं उनके चरणों पे दास का सर, वो भी प्राप्ति कर जाएंगे। पर अगर जल्दी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए और जल्दी चाहिए, जब बैठ जाओ 12:30 बजे स्नान करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2:15 बजे का पाठ तो अटेंड कर लो, 2:15 बजे से उसे मत छोड़ो। कम से कम ये 40 आता है ना, इन दिनों में बिल्कुल मत छोड़ो। सैकड़ों प्रोजेक्टर्स पे लाखों लोग जुड़े होते हैं इस वक्त, गिनती का पता नहीं कितने पाठ हो जाते हैं, वो भी अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों वचन ये बीच में आया, महासंतोख होवे गुरु बचनी। अब गुरु नानक पाशाह ने वचन कर दिया कि 2:15 बजे श्री जपजी साहब जी का पाठ करेगा उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वचन मानो, महासंतोख की प्राप्ति होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु से लागे पूर्ण ध्यान, शिकायत कर करके थक गए हम कि हमारा ध्यान नहीं लगता, वो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण तौर पर सुरती जुड़ जाएगी चरणों से, पूर्ण तौर पर। अगर कैसे, महासंतोख होवे गुरु बचनी, गुरु के वचनों पर चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तृष्णा बुझे हर के नाम, महाकलोल बुझे माया के। साथ संगत जी, ये तृष्णा जो है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ले डूबी, बड़े बड़े राजाओं को जीवन खत्म हो गए, नहीं प्राप्ति कर पाए तृष्णा की वजह से। हम भी तृष्णा से भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं तृष्णा से। हमारी तृष्णा नहीं मरती, आदमी मर जाता है उसकी तृष्णा नहीं मरती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेठ मर रहा था ना, दास ने पहले ही बताई, हरबंस सिंह जी सुनाया करते थे ये घटना। सेठ मर रहा है, सेठ मर रहा है और सारे खड़े हैं पास में, वो कुछ बोलना चाहता है बोल नहीं पा रहा। उसके बच्चे पास में खड़े, परिवार पास में खड़े हैं। अब सबको पता है कि सेठ के पास बहुत सारा धन था, अभी इसने कहीं पे दफनाया हुआ, कहाँ दफनाया पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब पूछ रहे कहाँ दफनाया था, पिताजी मर रहे हैं पिताजी, पर पिताजी की चिंता नहीं है, वो धन कहाँ छिपाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेठ इशारा करता है बाहर, और इशारा करता है गार्डन है बाहर, इशारा करके कहता है बाबा झा झा बाबा झा झा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बच्चे समझ नहीं पाते, कहते हैं, बोल रहा है बक्सा किसी झाड़ के पीछे छुपाया लगता है, किस झाड़ के नीचे दबाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बोलना चाहता है पता नहीं चल रहा। बच्चे आपस में डिस्कस करते क्या करते, डॉक्टर को बुलाते हैं, भाई कुछ करो कि थोड़ी देर बोल सके। डॉक्टर कहता है बड़ा महंगा इंजेक्शन है, लगाऊंगा 2 मिनट बोल सकेगा फिर मर जाएगा। बच्चे आपस में फिर डिस्कस करते हैं क्या करें, कहने की लगवा देते हैं, अगर बता दिया कौन से झाड़ के नीचे दबाया है तो बक्सा मिल गया तो बहुत धन मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बात कहाँ से चली है, आदमी मर जाता है उसकी तृष्णा नहीं मरती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उसी घर में कुत्ता बन के, बिल्ली बन के, उसी घर में प्रेत बन के आता है, या उसी वहीं पे भटकता रहता है प्रेत बनकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी इसे प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चों ने डॉक्टर से कहा लाओ लगाओ इंजेक्शन, जितने पैसे दे देंगे। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो वो सेठ क्या बोलता है, गधो ध्यान दो, बार बछड़ा झाड़ू खा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं पता, बार बछड़ा झाड़ू खा रहा है और तुम लोग मेरा मुंह देख रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बा झा झा कर रहा था, वो कह रहा था कि बकरा झाड़ू खा रहा है बछड़ा, और ये समझे बक्सा झाड़ के नीचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर रहा है, ध्यान झाड़ू में है कि झाड़ू वेस्ट हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हंसने वाली बात तो है और दुख वाली बात भी है, क्योंकि हमारी भी यही हालत है साथ संगत।
हमें अपने आप पे विचारना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ रहता है। पता है उसको चेक करने का तरीका क्या है? जब आप सो के उठते हो फटाफट ध्यान कहाँ जाता है? सबसे पहला ध्यान जहाँ जाता है ना, समझ जाना मरते वक्त वहीं ध्यान जाने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी सोकर उठो सबसे पहला ध्यान कहाँ जाता है? मोबाइल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सी चिंता घेरती है? अगर ध्यान जाता है गुरु नानक के चरणों का, गुरु नानक के चरण प्राप्त होंगे मरते वक्त। अगर ध्यान जाता है बिजनेस में तो समझ जाओ, धन में जाता है तो सांप, बच्चों में जाता है तो सुअर, घर में जाता है तो प्रेत। वाणी कहती है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारा कुछ बदल जाएगा। पाछा कहते गुरु अर्जन देव जी महाराज, तेरी मन की स्थिति बदल जाएगी। महाकलोल बूझ है माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे मेरे वाहिगुरु मुझ पे तरस कर। तो तरस क्यों करेगा? जब जपेंगे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा गहरी विचार है, समझने की कोशिश करना। हम जब नाम की दात मांगते हैं उसका भाव क्या है? नाम जपना क्या है? आइए दो पंक्तियां पढ़ें फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। कृष्णा कृष्णा बुझे हर के नाम, बुझे हर के नाम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपना नाम देह जप जीवा, पूर्ण होए दास की काल। बड़े ध्यान से सुनना इस पंक्ति को। इस पंक्ति के अर्थों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत। हम गलत फहमी में हैं इसलिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना नाम देह जप जीवा, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। अपना नाम दे, हे वाहिगुरु अपना नाम दे, मैं जपूं और मेरी आत्मा जी उठे, पूर्ण होए दास की काल, ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की दात दे ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। कौन सी मेहनत की है पहले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो जप रहे हैं हमें समझते हैं कि हमें नाम की दात मिल गई, नहीं, हम जप रहे हैं। ध्यान से समझना। अपना नाम दे जप जीवा, पूर्ण होए दास की काल। अब हम क्या कर रहे हैं फिर, अगर वो नाम की दात मांगनी है तो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण होए दास की काल, जितनी भी सेवा दास गुरु साहब जी हम सब से ले रहे हैं, जो भी सेवा ले रहे हैं, जो भी नाम जपा रहे हैं हम सबसे, ये हमारी घाल ना हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा सिमरन दान पुण्य, ये हमारी सारी घाल ना है। इसका फल तब मिलेगा जब नाम की दात मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हम घाल ना घाल रहे हैं, जिन्नी नाम ध्याया गई मशक्कत काल। ये हम घाल ना घा रहे हैं, हम जो ध्या रहे हैं जप रहे हैं ये घाल ना है, नाम की दात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की दात क्या है? जिस दिन वो मिल गई फिर घालना खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की दात मिल गई फिर अजपा जाप है, फिर जपना नहीं है, वो चलता है। एक होता है गाड़ी चलानी, एक होता है गाड़ी चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बिजनेस चलाना, एक बिजनेस चल पड़ना। जिस दिन नाम की दात मिल गई ना, उस दिन नाम जपना नहीं पड़ेगा, हर श्वास में नाम चल पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दात मांगी है, हमें लगता है हम नाम दान लेकर आए हैं,
नाम दान नहीं, नाम दान ये है जिस दिन आपके भीतर नाम चल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, नाम के दात बख्शे, हम सबको बख्शे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस करके बख्शे, मेहर करके बख्शे। सत नाम वाहिगुरु, सत नाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 Krishna bujhe har ke naam, bujhe har ke सर्व मनोरथ राज सुख रस, सद खुशियाँ कीर्तन जप नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम में क्या क्या रखा है वो बताया है। वाणी कहती है सगल सृष्टि को राजा दुखिया, राजा सबसे ज्यादा दुखी रहता है। हमें लगता है वो बहुत सुखी है पर वो दुखी है। हम सोचते हैं राजा बहुत सुखी है, हमारी जो विचार में जो सुख है राजा के पास वो सुखी है। पाशा कहते हैं वो सच में सुख तुझे प्राप्त हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक राज का नहीं, सारी सृष्टि के राज के सुख का प्राप्त अनुभव हो जाएगा तुझे। सर्व मनोरथ राज सुख रस, वो सारे रस तुझे लगता है जो राजा लेता है, वो सारे रस राजा को तो नहीं मिलते पर तुझे मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सद खुशियाँ, एक होता है टेम्प्रेरी खुशियाँ, आज खुश हूँ कल दुखी हूँ, हमेशा के लिए खुशियाँ मिल जाएंगी। क्या कर, कीर्तन जप नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन का भाव प्रभु के उस्तत कर, कैसे कर, उसका नाम जप के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी उस्तति कर, उसका नाम जप, राज का सुख भी तुझे मिल जाएगा, हमेशा के लिए खुशियाँ भी तुझे मिल जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका कर्म लिखिया तुर करते, नानक जन के पूर्ण काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन पंक्तियों का मतलब पता क्या है, कि जिसके कर्मों में लिखा होगा उसे ही मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका कर्म लिखिया तुर करते, अभी जिसके कर्मों में लिखा हुआ है कि उसे नाम की दात मिलेगी, केवल उसे मिलेगी दूसरे को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पढ़ के कोई नाम जपना ही छोड़ दे, भाई मुझे तो मिलने वाला ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा ही छोड़ दे, क्योंकि ऊपर से लिखा जाता है, हम क्यों करें। हमारे किस्मत में अगर लिखा ही नहीं है तो नहीं मिलेगा, और अगर लिखा है तो मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी बड़ी डिटेल में समझाया करते थे, मेरे बाबा नंद सिंह जी कहते थे वाणी ने तो लिख दिया, जिसके कर्म लिखे अधुर करते, कि जो कर्मों में लिखा है वही मिलेगा।
फिर बाबा नानसेन जी कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शरण में आने का लाभ ही क्या है, फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम का खेल है, गुरु ने तो कह दिया, गुरु हरगोविंद साहिब जी ने कह दिया था, माई तेरे कर्मों में पुत्र नहीं है। माई वापिस चली गई। पर जब किसी ने समझाया, कोई गुरुमुख मिला, भाई तुझे कहना चाहिए था कि वहां भी लिखने वाला तू, यहाँ भी लिखने वाला तू, मगर वहां नहीं लिखा तो यहाँ लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई फिर आगे आ गई घोड़े के, जब गुरु साहिब जी वहां से गुजर रहे थे, माता कहने लगी पुत्र के दांत बख्शो। गुरु साहिब जी कहने लगे तेरे कर्मों में नहीं है, लिखा नहीं है तेरे कर्मों में, 7 जन्मों तक नहीं लिखा है। तो माता ने कहा पाछा, वहाँ भी लिखने वाला तू, यहाँ भी लिखने वाला तू, वहाँ नहीं लिखा तो अब लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने ठीकरी उठा के दी, टूटा हुआ घड़ा होता है ना, वो उठा के दे दिया और दूसरी ठीकरी दी के इस पर लिख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे किसी सिखाए हुए ने भेजा तुझे, किसी गुरुमुख ने, कि क्या बोलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कह दे चले जा तो क्या छोड़ के चले जाए, नहीं। अभी गुरु ने कह दिया कि जिसके कर्मों में लिखा है नाम की दात उसे ही मिलेगी, तो क्या हम सेवा छोड़ दें कि हमारे कर्मों में लिखी ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं पाछा, वहाँ नहीं लिखा है तो अब लिख दे, तेरे चरणों में बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने हाथ में ठीकरी ली, लिखने लगे तो इतिहास लिखता है घोड़ा हिला और एक एक का साता बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे माई तेरी किस्मत में एक लिखने जा रहे थे, 7 पुत्र हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रतख गुरु नानक बैठे हैं, प्रतख गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, हम इसके शरण में आए ही इसलिए हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है सुख, हमारी किस्मत में नहीं है नाम, हमारी किस्मत में नहीं है सेवा सिमरन, पाशा तेरी शरण में माथा टेक रहे तेरे आगे, तू अभी लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी किस्मत तो बहुत ही खराब है, हमने इतने बुरे कर्म किए हैं कि हमें नहीं पता, पर जिसकी शरण में आए हैं वो विधाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो लिख सकता है। इसीलिए तो कहते हैं लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे रंग लिख दे, मस्तक उत्ते नाम दा रंग लिख दे, मेरी किस्मत विच साध दा संग लिख दे, मेरी किस्मत विच साध दा संग लिख दे। ओ लिखने तेरे
तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे संग जान लिख दे मेरी किस्मत विच अमृत वेले दर्शन दीदार लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जैसे मूर्ख, हमारे जैसे चालाक, हमारे जैसे जिनकी भावना नहीं गुरु पर, चाहे सालों भर आते रहे नहीं लिखा पाते, और कई एक बार में आकर ही लिखा कर ले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या फर्क होता है, भोला भाव गोविंद मिलावे, भोलापन भोले ले जाते हैं, चालाक हमारे जैसे चुस्त लोग खाली रह जाते हैं। हम अगर गा भी रहे हैं ना लिख दे, मन में डाउट है लिखा जाएगा कि नहीं। प्यार से बोल रही है धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे ना, कोई आया था ना महापुरुषों के पास, मेरा एक काम हो जाएगा। कहने लगे काम हो जाएगा या नहीं पूछ रहे तो ज्योतिषी के पास जाओ, ये गुरु नानक का दर है, यहाँ पर आके कहो कि कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर आके कहो कर दे, क्योंकि वो कर सकता है, और आए क्यों हूँ इसके पास फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी का दर है, सारी दुनिया चौपहरा काटती है, हजारों में लोग होते हैं चौपहरा काटने में, कई लोग कई चौपहरे काटते हैं। मुबारक, एक एक सेकंड मुबारक, कोई भी अर्थ नहीं जाने वाला, पर भावना की बात बता रहा हूँ। दास ने ऐसे महापुरुषों की, ऐसे गुरुमुखों की संगत की है, एक बार जाते हैं काम पूरा करके आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो इस विश्वास से गए हैं कि एक करने वाला बैठा है, करेगा, और करके ही आएंगे, करा के ही बाहर निकलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता खड़ी हो गई गुरु हरगोविंद साहब जी के रास्ते में कि लिख, लिखवा के आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी कह देते ठीक है तो भी ना मानी, वो लिखवा के आई, ठीकरी दी के लिखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, हमारी वो भावना बन जाए। ये सारा कीर्तन, ये सारा कुछ, ये अडंबर इसीलिए है कि भावना बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए, क्योंकि जो श्रद्धा कर सेवन दे गुरु पार उतारन हार। ये नहीं लिखा कि जो सेवन दे, जो श्रद्धा कर सेवन दे। जपते तो हम भी है पर श्रद्धा से नहीं, जो श्रद्धा से जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा हम भी करते हैं पर श्रद्धा नहीं। कभी किसी का दिल दुखा दिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया, अपना अधिकार चलाना है सेवा पर, सेवा वो श्रद्धा से झुक कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मिल जाए ठीक है, जो मांग ले उसे दे दो, पीछे हट जाओ,
श्रद्धा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम आए हैं गुरु की खुशी लेने, सबसे बड़ी बात, चाहे नाम जप के लिए चाहे सेवा करके, मकसद तो ये कहने कि गुरु की प्रसन्नता मिल जाए, कि अपनी वाहवाही मिल जाए, कि अपने अहंकार को तृप्त करना है, नहीं, अगर उसकी प्रसन्नता चाहिए तो श्रद्धा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, विनम्रता, वो खुश ही देने में होता है, लेने वाले में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज पर, हर जगह पर जो अपने आप को पीछे कर ले, जो सहले, जो झुक जाए, गुरु नानक पाशाह के जीवन के यही तो तीन पहलू हैं। श्री गुरु नानक पाशाह का 40 मना रहे हैं हर साल। गुरु नानक पाशाह के गुणों पर विचार तो करके देखो, सारी वाणी में नानक नीच का है विचार, हमारे मुंह से ये अक्षर निकल ही नहीं सकते, पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि वाणी में गुरु नानक पाशाह लिख गए हैं, अपने आप को नीच कहा है, अपने आप को छोटे से छोटा, बुरे से बुरा अक्षर अपने लिए इस्तेमाल किया गुरु नानक पाशाह ने वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम अपने नाम के साथ 108 1008 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात कुछ और थी, पहलू कोई और निकल आया, पर बड़ी कीमती बात है, बहुत कीमती। आखिर ये सारा ज्ञान लेकर करना क्या है? वो क्या पुखना उतरी जब ना पूरी अपार से ऐसे अनुपालक हुआ था, एक ना चलन नाल कि सचारा हो या कि कूड़ा टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल लिखिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नानक लिखिया नाल, लिखाई उसके हाथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब धन्य ने कौन सी भक्ति की थी, भोला भाव से पा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होंगे पिछले जन्म के कर्म पुण्य, पर जो घटना हमारे सामने आती है वो तो यही आती है ना कि भोला भाव गोविंद मिलावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए वो लिख सकता है, मेरा गुरु नानक कलम लेकर बैठा है, जो चाहे लिखवा लो अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ फिर से एक बार बेनती करें, पाचा हमारी किस्मत में नाम की दात नहीं है, हम मानते हैं हमारी किस्मत में नहीं थी, इसने नहीं लिखा तूने, पर अब लिख दे, तरस कर, तेरे चरणों में बैठे, उम्र खत्म होने को आ गई है, नाम की दात बख्श दे, लिख दे माथे पर, अपने दर्शनों का दीदार लिख दे माथे पर, तू लिख सकता है, लिख दे, तरस कर, लिख दे, 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 मेरे हाथों विच सेवा कर लिख दे, मेरे हाथों विच सेवा कर लिख दे, मेरे पैरों विच सत्संग जान लिख दे, मेरे पैरों विच सत्संग जान लिख दे, मेरी दर्शन दीदार लिख दे, मेरी आँखों विच दर्शन दीदार लिख दे, लिखने लिखने वाले, वाले तू हो के दयाल लिख दे, गुरु नानक जी, गुरु नानक जी, गुरु नानक जी, गुरु नानक।
नानक जी, गुरु 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 नानक जी। लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, गुजर रहे हैं कहीं से, आवाज है, एक मां अपने बच्चे को पुकार रही है, मर जानिया इधर आ, मर जानिया इधर आ, मर जानिया वो कर। गुरु नानक पाशाह हैरान हुए कि कौन मां है जो अपने बेटे को, कौन माँ है जो अपने बालक को, अपने बच्चों को मर जाना कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मेरे गुरु नानक पातशाह रुक गए। माता से पूछा, माता अपने छोटे से बालक को तुम मर जाना क्यों कह रही है? माता ने हाथ जोड़ दिए, क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है। पता नहीं निरंकार ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, जो भी बालक होता है घर में एक निश्चित समय पे आके मर जाता है। उससे मोह पड़ता है, उससे प्यार पड़ता है, फिर मर जाता है। एक नहीं कई बार ऐसे हो चुका है। अब इसका जन्म हुआ है, हमें पता है इसकी किस्मत में भी यही लिखा है, हमारी किस्मत में भी यही लिखा है कि इससे बिछोड़ा हो जाना, इसने भी मर जाना है। तो पहले से ही मर जाना कह रहे हैं ताकि दुख ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ये मरे तो मन माना हो कि मर जाना ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह दया के सागर, लिखने वाले मेरे गुरु नानक पातशाह जिनके हाथ में कलम है, ताकत है, निरंकार का रूप मेरे गुरु नानक पातशाह आप नारायण कलाधार, जग में परवर्यो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करो। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे, माता ये बालक हमें दे दे, तू वादा कर ये बालक हमें दे देगी जब हम मांगेंगे। अगर तू वादा करती है तो आज के बाद ये नहीं मरेगा, इसका नाम हम रखते हैं मर्दा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ ने नाम रखा मर जाना के मर जाना, इसने गुरु नानक पातशाह ने नाम लिख दिया। खाली नाम ही नहीं रखा, किस्मत में लिख दिया मर्दा ना, जिसे आज हम सब भाई मर्दाना कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लिखा किसने, मेरे गुरु नानक पातशाह ने, तो वो मर जाना भाई मर्दाना बने और नहीं मरे। शरीर करके तो जाना है एक दिन सबको, अपनी पूरी उम्र भोग के जितनी गुरु नानक पातशाह ने लिखी थी वो गए, और हर एक के हृदय में आज भी वो जीवित है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कीर्तन का नाम आता है तो भाई मर्दाना का नाम आता है, कीर्तन इज इक्वल टू भाई मर्दाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना से इतना प्रेम किया गुरु नानक पातशाह ने, जब भाई मर्दाना जी ने शरीर छोड़ा उसके बाद गुरु नानक पातशाह ने कोई उदासी नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लिख दिया गुरु नानक पातशाह ने किस्मत पे के मर्दा ना, वो नहीं मरे, आज तक नहीं मरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए आओ हम भी लिखा लें। ये वही गुरु नानक बैठे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, ये वचन किसी आम इंसान के नहीं, खुद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हैं। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, देह है गुरु नानक पर तख बैठा है। आओ लिखा लें। लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, it is।
लिखने वाले प्रकरण कुछ और चल रहा था, बात पहुंच गई कहीं और, पर रस आ रहा है। प्रकरण तो कल भी ले लेंगे, ये आनंद पता नहीं कल मिले ना मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लिखवा ले हम सब किसी के पांव शराब के ठेके की तरफ जा रहे हो, ना रुकते हो, पता है गलत है पर शराब छूट नहीं रही। समय है अभी, लिखवा लो। अच्छा लिख दे, ये पांव जाए तो सत्संग की तरफ जाए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, किसी से मांस नहीं छूट रहा, किसी से कोठा नहीं छूट रहा। हमारे अवगुण हमें पता है, बख्शा लें और लिखवा लें। पाचा आगे के लिए सही मार्ग लिख दे। घर से बोलिए धन गुरु नानक, जिसकी शरण में बैठे हैं वो लिख सकता है बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन। अगर नहीं लिखने की कैपेबिलिटी इसकी तो बैठे ही क्यों है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किस्मत में लिखा है गरीबी से मरना है, किस्मत में लिखा है तड़प तड़प कर मरना है, अपने कर्म भुगतने हैं, तो फिर यहाँ बैठे ही क्यों है। बैठे हैं किस्मत बदलवाने के लिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, कि पुराने लिखे फाड़ दे, नए लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये बख्शिश का दर है। यहाँ पर हिसाब किताब नहीं, यहाँ पर तो मेहर वर्तती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की घटना, दीवान सजा हुआ है, एक छोटा सा बालक बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा। संगत को गर्मी लगती है तो पंखा जलता है, प्यास लगती है तो पानी पिलाता है, सेवा में ही लगा रहता है। इतनी सेवा की उसने कि मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ध्यान उसके तरफ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, छोटा सा बालक है पर बिना समय गवाए, बिना फालतू बातें किए, बिना यहाँ वहाँ गए, केवल सेवा में डूबा रहता है। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ध्यान उसकी तरफ चला गया। ये तरीका होता है गुरु का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो तो। जुड़कर सेवा करो सिमरन करते हुए, गुरु का ध्यान जरूर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और कोई देखे ना देखे गुरु तो देख रहा है। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से उसे देखा और अपने पास बुलाया। और काजल लेकर, उंगली पे काजल सा लगाए, कालक लगाई और उसके माथे पर एक काला टीका लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जैसे हम बच्चे को लगाते हैं कि नजर ना लग जाए, काला टीका लगाते हैं। तो कई लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि गुरु महाराज तो वाणी में और सारे गुरुओं ने इन भ्रमों का खंडन किया है, काला टीका लगाना, काला धागा बांधना, क्योंकि वाणी कहती है मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। जठर अग्नि में बालक की रखिया नाम ने की, काले धागे ने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, काले धागे, तबीत, नग, पत्थर, इन चीज़ों को जो मानते हैं, मान लेना, समझ लेने की बात है, गुरु पर भरोसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हम ये कहना चाहते हैं कि धागा गुरु नानक पाशाह तो बहुत बड़ा है पर नज़र से तू नहीं बचाएगा, इसलिए काला टीका लगा रहे हैं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अच्छे अच्छे नाम जपने वालों को काला टीका लगाते हुए देखा है, काला धागा बांधते हुए देखा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब काला टीका इसके माथे पे लगाया तो संगत के मन में शंका होगी, गुरु साहब जी तो इन भ्रमों से ऊपर उठने के लिए कहते हैं, इन्होंने काला टीका क्यों लगाया? क्योंकि बालक बड़ा प्यारा था, नजर ना लग जाए शायद इसलिए लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे अंतर्जामी पातशाह, घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। कहने लगे नहीं, काला टीका इसलिए नहीं लगाया है कैसे नजर न लग जाए। नहीं, हमने काला टीका नहीं लगाया है, इस बालक की आयु केवल 9 वर्ष की तक ही थी, इसकी सेवा देखकर हम इस पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए, तो इसके माथे पर एक 0 लगाया है काली बिंदी लगाकर। अब इसकी आयु 90 साल हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 9 के साथ एक 0 लगा दिया उसके माथे पर, 9 से 90 साल आयु कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब मैं क्या बताऊं आपको कि लिखना क्या होता है। एक तो होता है सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाई बातें ना मेरे अपने साथ बीती हैं बातें जो दास स्टेज पे बता नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो गुरु नानक है, गुरु नानक के प्यारों में लिखने की ताकत होती है, वो उस लेख बदल देते हैं। और हम बात करिए सृष्टि के मालिक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पूर्ण संत हो ना, नाम जपने वाला, कमाई वाला, वो लेख बदल के रख देता है। हम जिसके शरण में बैठे हैं उसके पास लिखने की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ लिखवा ले पाछा तरस कर, तरस कर, मेरी किस्मत में वो सब लिख दे जो मेरे बुरे कर्मों की वजह से तूने वहाँ नहीं लिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानता हूँ मेरे कर्म बुरे हैं, पर अब मैं तेरी शरण में आऊँ ना पाछा, लिख दे, लिख दे। क्या क्या लिखा है आइए मिलकर लिखाते हैं। मेरे कर्मा विच बेड़ा पार लिख दे, मेरे कर्मा विच बेड़ा पार लिख दे, मेरे कर्मा विच मेरा उधार लिख दे, लिख दे, लिख दे।
दुख दे। लिख दे